दोस्तों आज की इस वीडियो में हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया हुआ है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। दोस्तों अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के चैप्टर से हमने ये क्वेश्चन लिया है। इसके अलावा अन्य क्लास से भी अगर आप हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम त्रिज्यखंड जानेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक सर्किल बना लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सर्किल बना लिया है, ये ज्यादा अच्छा नहीं बना है लेकिन आप मैनेज करना। अब जो बीचों बीच जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं दोस्तों। और ये जो गोलाकार जो दूरी होती है सर्किल की, ये पूरी गोल गोल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त के केंद्र से इस परिधि तक की दूरी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो अब त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों, त्रिज्याखंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के बीच से घिरा हुआ क्षेत्रफल, दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल। एक और त्रिज्या हमने ले ली, आप जानते हैं कि आर हमेशा हर जगह बराबर होता है। यहाँ पर हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है, और ये केंद्र हो गया हमारा ओ। क्लियर, तो दो त्रिज्या होंगे दोस्तों हमारे ओ ए और ओ बी। अब जो एरिया जो बीच में घिरा हुआ है ये पूरा दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। इसी त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आई होप दोस्तों आप त्रिज्यखंड समझ गए होंगे कि आखिर त्रिज्यखंड क्या होता है। चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, वो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों थीटा, जो आपका कोण दिया रहता है, बटे में होता है 360, गुणा में होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लिखा हमने, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, थीटा की जगह हमें 60 दिया हुआ है तो आप 60 रख देंगे, बटे में 360 है 360 रख देंगे। पाई का मान दोस्तों आपको 22/7 रखना है, आर की जगह दोस्तों आपको 6 दिया है तो 2 बार 6 कर देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इसलिए हमने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। ये आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहां से देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 से दोस्तों 6 बार कट जाएगा, फिर 6 से ये 6 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 6 गुणा दोस्तों 22/7 बचा। इसको हम सॉल्व कर देंगे, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 कितना आ गया, 7। और ये सेंटीमीटर में था तो हम इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्रफल होता है वो हमेशा और हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये दोस्तों हमारा क्या निकल आया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। आई होप दोस्तों आपको प्रश्न समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।